दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक तरफ बैंक जहां हमको होम लोन का बड़े से बड़ा लाखों रुपए का कर्ज सिर्फ 8% से 9% के सालाना ब्याज के रेट पर दे देती है, वहीं दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड लोन और पर्सनल लोन के छोटे से छोटे कर्ज पर भी बैंक हमसे 12-15% से लेकर 36% तक सालाना ब्याज वसूल कर लेती है। आप ही बताइए, ये एक बहुत अजीब बात है या नहीं? और आखिर होम लोन और पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के ब्याज दरों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? इसके पीछे क्या लॉजिक है और आखिर क्या कारण है? तो दोस्तों, अगर मैं आपको एक लाइन में इसका कारण समझाना चाहूँ तो होम लोन और पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के ब्याज दरों में इतना बड़ा अंतर होने का सबसे बड़ा कारण है रिस्क का कम या ज़्यादा होना। जी हाँ, बैंक या दूसरे आर्थिक संस्थाओं के लिए होम लोन एक रिस्क फ्री लोन होता है, क्योंकि बैंक होम लोन देते समय घर के सभी ओरिजिनल पेपर अपने पास बंधक या गिरवी के रूप में रखती है। और अगर व्यक्ति होम लोन के कर्ज को नहीं चुकाता है तो बैंक के पास अधिकार होता है कि वह उसके घर को बेचकर अपने कर्ज का पैसा वापस प्राप्त कर ले। इस तरह फाइनेंशियल मार्केट में होम लोन को सिक्योर्ड यानी सुरक्षित लोन माना जाता है, और इसीलिए होम लोन पर हमेशा सबसे कम ब्याज दर देखने को मिलता है। जबकि दूसरी तरफ पर्सनल लोन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बैंक या दूसरी आर्थिक संस्थाओं के लिए पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड पर लोन होम लोन के मुकाबले काफी रिस्क भरा होता है, क्योंकि पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के केस में बैंक के पास कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती। और कई बार ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का कर्ज अक्सर डूब जाया करता है और बैंक अपना दिया हुआ कर्ज वसूल नहीं कर पाती, और इसी कारण से फाइनेंशियल मार्केट में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड को अनसिक्योर्ड यानी असुरक्षित लोन कहा जाता है। और इस तरह के लोन पर अधिक रिस्क होने के कारण पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड पर ब्याज की दर हमेशा अधिक वसूल किए जाते हैं। तो ये सब सुनकर अब अगला सवाल ये आता है कि सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन का क्या मतलब है? तो दोस्तों, कर्ज की जानकारी के हमारे बेसिक सीरीज के आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि कर्ज कितने तरह के होते हैं और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं, और क्यों सिक्योर्ड लोन पर ब्याज की दर कम होती है और क्यों अनसिक्योर्ड लोन पर ब्याज की दर ज़्यादा होती है। लेकिन कर्ज के बारे में इन सभी बातों को समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वास्तव में कर्ज दो तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिया जाता है। पहला, पर्सनल यानी व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए लिया जाने वाला व्यक्तिगत कर्ज, और दूसरा, बिजनेस यानी व्यावसायिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिया जाने वाला बिजनेस लोन। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ पर्सनल लोन यानी आम आदमी के व्यक्तिगत जीवन के ज़रूरतों के लिए लिए जाने वाले कर्ज के बारे में ही बात करूंगा, और बिजनेस के लिए लिए जाने वाले लोन के बारे में किसी और वीडियो में कभी और बात करेंगे। तो अगर पर्सनल यानी व्यक्तिगत ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लिए जाने वाले कर्जों की बात की जाए तो एक आम आदमी अपने जीवन में दो तरह के कर्ज लेता है, पहला सिक्योर डेट्स और दूसरा अनसिक्योर डेट्स। और इसलिए कहा जा सकता है कि पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्ज दो प्रकार के होते हैं, पहला सिक्योर्ड लोन्स और दूसरा अनसिक्योर्ड लोन्स। आइए पहले ये जानते हैं कि सिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, सिक्योर्ड लोन्स या सिक्योर्ड डेट्स या सुरक्षित कर्ज वे कर्ज हैं जिन कर्जों के डूबने का रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि सिक्योर्ड लोन आमतौर पर अपने मूल्य के बराबर की संपत्तियों के द्वारा सिक्योर्ड होते हैं। यानी बैंक या आर्थिक संस्थाएं जितने भी मूल्य का सिक्योर्ड लोन देती हैं तो वे लोन लेने वाले व्यक्ति से लोन के मूल्य के बराबर की संपत्ति अपने पास बंधक, गिरवी या गारंटी के तौर पर जरूर रखती हैं, ताकि अगर लोन लेने वाला व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाए तो बैंक उसके गिरवी या बंधक या गारंटी के तौर पर रखी संपत्ति को बेचकर अपना कर्ज का पैसा वापस प्राप्त कर सके। जैसे होम लोन एक सिक्योर्ड लोन है, और अगर आप बैंक से होम लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको तभी होम लोन देती है जब आप अपने घर के सभी ओरिजिनल पेपर के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन करके बैंक को दे देते हैं। इस तरह आप देखेंगे कि होम लोन के अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग सिक्योर्ड लोन होते हैं, जैसे बाइक लोन या कार लोन, गोल्ड लोन्स यानी सोना गिरवी रख के लोन लेना, या अपने किसी अन्य पेपर एसेट जैसे बैंक के फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन, प्रोविडेंट फंड यानी PPF के अगेंस्ट लिया जाने वाला लोन, या फिर स्टॉक, बॉन्ड, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लिया जाने वाला लोन। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि सिक्योर्ड लोन को कई और अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे
कोलेटरल लोन्स, मॉर्गेज लोन्स या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों अब अगर ये बात करें कि सिक्योर्ड लोन पर ब्याज की दर कम क्यों होती है, तो दोस्तों सिक्योर्ड लोन पर ब्याज दर कम होने के दो कारण है। पहला ये कि बैंक या आर्थिक संस्थाओं के लिए सिक्योर्ड लोन रिस्क फ्री लोन होता है और इसमें पैसे डूबने का रिस्क नाम मात्र के बराबर होता है, और इसीलिए सिक्योर्ड लोन के केस में बैंक या आर्थिक संस्थाएं बहुत कम ब्याज दर लेती हैं। इसके अलावा दूसरा सिंपल कारण ये है कि एक तरह बैंक जहां ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर्ड लोन यानी रिस्क फ्री लोन देना चाहती है, जिसके बदले लोग अपनी संपत्ति को बैंक के पास गिरवी बंधक या गारंटी के तौर पर रख सकें, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बहुत कम होता है और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास गिरवी बंधक या गारंटी रखने के लिए कोई ठीक ढंग की संपत्ति होती है। यानी एक तरफ बैंक की तरफ से सिक्योर्ड लोन की सप्लाई तो बहुत है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की तरफ से सिक्योर्ड लोन की डिमांड कम है। तो सिंपल इकोनॉमिक नियम डिमांड और सप्लाई के अनुसार सिक्योर्ड लोन के लिए डिमांड कम होने और सप्लाई ज़्यादा होने से भी बैंक को सिक्योर्ड लोन पर ब्याज दर बहुत कम रखना पड़ता है। तो ये तो हो गई बात सिक्योर्ड लोन क्या होता है। आइए अब बात करते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन्स यानी अनसिक्योर्ड रेट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों बात बड़ी सिंपल सी है। बैंक या आर्थिक संस्थाओं के लिए जिन कर्जों के डूबने के रिस्क ज़्यादा होते हैं और जिन कर्ज के लिए बैंक और आर्थिक संस्थाएं कर्ज के बदले कोई भी संपत्ति गिरवी बंधक या गारंटी के तौर पर नहीं रखती, तो उन कर्जों को अनसिक्योर्ड डेट्स या अनसिक्योर्ड लोन्स कहा जाता है। जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, एजुकेशनल लोन, कंज्यूमर लोन, ये सभी अनसिक्योर्ड लोन्स हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पर्सनल लोन व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिया जाता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए लोन, शादी के खर्चों के लिए लोन, छुट्टियां मनाने या फिर दूसरे व्यक्तिगत खर्चों के लिए लिया जाने वाला लोन। और क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट भी किसी तरह की संपत्ति नहीं रखी जाती और एजुकेशनल लोन के अगेंस्ट भी कोई सिक्योर्ड एसेट नहीं रहता। और इसके अलावा कंज्यूमर लोन, जो आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाले सामानों को खरीदने के लिए लेते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, फर्नीचर या इस तरह के हाउस होल्ड आइटम के लिए लिए जाने वाले सभी लोन कंज्यूमर लोन्स होते हैं और इसके बदले कोई संपत्ति गिरवी बंधक या गारंटी के तौर पर नहीं रखी जाती है, और ये सभी अनसिक्योर्ड डेट्स या अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। इसलिए इस तरह के कर्ज ज़्यादा रिस्क भरे हो जाते हैं और कई बार लोग मजबूरी बस या जानबूझकर इस तरह के कर्ज को नहीं चुकाते हैं, और इसीलिए बैंक और आर्थिक संस्थाएं ज़्यादा रिस्क होने के कारण इस तरह के लोन पर ज़्यादा ब्याज दर भी वसूल करती हैं। तो दोस्तों अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं, तो व्यक्तिगत तौर पर एक व्यक्ति के लिए कर्ज दो प्रकार के होते हैं, पहला सिक्योर डेट्स और दूसरा अनसिक्योर डेट्स। तो दोस्तों अगर आप मेरी राय में माने तो आपको अनसिक्योर्ड लोन्स यानी पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन या फिर कंज्यूमर लोन लेने से हमेशा बचना चाहिए और इस तरह के कर्ज ना ही लेना बेहतर होता है। और अगर आप कर्ज लेना भी चाहते हैं तो आपको सिक्योर्ड लोन्स ही लेना चाहिए, और सिक्योर्ड लोन्स लेने का आपका उद्देश्य संपत्ति बनाना या फिर ज़्यादा लाभ कमाना होना चाहिए। तो दोस्तों आशा है आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप कर्ज के अलग अलग प्रकार के बारे में सही तरह से समझ पाए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही अपने सुझाव या अपने विचार को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हिंदी फाइनेंशियल एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल के सभी वीडियो अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और अंत में वीडियो पूरा देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।